Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि कुछ ही महीनों में आपके पास क्या समाचार, क्या शुभ समाचार, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबंडेंस आ सकती है. ठीक है, सो डेफिनेटली जिस तरह से हम टैरो प्रेडिक्शंस करते हैं तो डेफिनेटली आज हम कैंडल वैक्स करेंगे. तो इससे भी पहले मैंने बहुत सारे रीडिंग्स किया है कैंडल वैक्स ऑन पेपर, आप उसको देख सकते हो. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें. इंस्टाग्राम में मैं रील्स दे रही हूँ, पोस्ट दे रही हूँ, तो उसको जरूर देखें. ठीक है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. ये जो रीडिंग होने वाला है ये बिल्कुल टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस. मैं आशा रखती हूँ कि आप लोगों के साथ ये जरूर रेजोनेट हो, बट दिस इज अ जनरल प्रेडिक्शन सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट. ठीक है, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. गाइडेंस के तौर पे जरूर देखें रीडिंग को और आपको जरूर मोटिवेशन मिलेगा. तो चलो हम शुरुआत कर ही देते हैं. पॉजिटिव रहिएगा गाइस. तो देख लेते हैं कि आपके लिए कुछ ही महीनों में क्या शुभ समाचार आ सकता है. सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में क्या शुभ समाचार आ सकता है. मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं पे आप बहुत ज्यादा इस वक्त देखो आप जिस मूड पे होना, आपको ऐसा लगता है ना कि ये जो दुनिया है या आपके जो वातावरण है, देखो आपके ये पैर की निशानी आ रही है कहीं ना कहीं पे. मुझे जिस तरह से लग रहा है ना, आपको लगता है कि आपके आसपास के वातावरण या कहीं ना कहीं पे आपके जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन हैं, कहीं ना कहीं पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है आपके फैमिली में, उससे आप ऊपर उठना चाहते हो. आपकी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे जो लक्ष्य है वो शायद, देखो आप समझते हो, बहुत सारे लोग समझते हैं, लेकिन हर लोग समझे, ठीक है, आपके एम्बिशंस को, आपके डिजायर्स को, आपके विशेस को, ये जरूरी नहीं है. कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि लोग जो भी आइडिया आप देते हो उसके अगेंस्ट में जाके बात करते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं आता है, उनको लगता है कि ये चीज बिल्कुल राइट नहीं है. बट आपके आइडियाज हमेशा ही ऐसा होता होगा कि अनोखा होता है, ब्रिलियंट आइडियाज आपके माइंड पे आते हैं और आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हो. लेकिन कहीं ना कहीं पे देखो, आप जो जितना भी लोगों के लिए आज तक करते आए होंगे ना, आपके पीठ पीछे लोग गॉसिप करते हैं, ठीक है, और आपको बहुत कुछ सुनाते हैं. कहीं ना कहीं पे ये देखो, ये अगर आप हो तो यहाँ पे किसी का यहाँ पे लेग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे आपके साथ बहुत ही ज्यादा लेग पुलिंग हुआ है जब आप स्टूडेंट थे, या कहीं ना कहीं पे अगर आप ऑफिस में हो तो बहुत ज्यादा लोग आपसे काम, अपना जो इंटरेस्ट है वो काम निकलते गए, ठीक है, और उनका जो स्वार्थ हुआ जब कंप्लीट हुआ तब आपको साइड कर दिया, ठीक है, और इस बात से आप अभी भी उभर नहीं पाए. कहीं ना कहीं पे रिलेशनशिप भी बहुत ज्यादा खट्टे होते गए, ठीक है, मीठा से खट्टे बन गए और आपको ये लगा कि मेरा तो कोई दोष है ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने क्या गुनाह किया. जो भी करते हैं ना हम, शायद हमें पास्ट जन्मों में, अगर आप बिलीव करते हो या विश्वास रखते हो, ठीक है, इस जन्म में, पुनर्जन्म में जो भी होता है, ठीक है, ये सब हम लोग कर्म के जो एक साइकिल है, कर्म का जो एक बबल बोला जाता है, उसमें हम फंस चुके होते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है ना, इंसाफी, ठीक है. कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आगे का जिंदगी आपके लिए काफी ज्यादा स्मूथ रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत कुछ सफर कर चुके हो ऑलरेडी, और बहुत कुछ आप सीख चुके हो, बहुत कुछ नॉलेज आप गेन कर लिए हो, तो कहीं ना कहीं पे आपको आसानी सा हो जाएगा लोगों के साथ डील करना, मुकाबला करना, उनके इंटेंशंस को समझना, ठीक है. यहाँ पे एक पॉट मुझे दिखाई दे रहा है जिसके अंदर पानी है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप मे बी इट्स पॉसिबल, यहाँ पे वन आया है,
Yes, 1. Can you see that? 1. So, 1, 1928, 10th October महीना, या हो सकता है जनवरी महीना, या किसी किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस महीने में हुआ हो, या 11 नंबर आपको काफी फ्रिक्वेंटली दिखाई देता है. किसी का शादी डेफिनेटली फिक्स होगा, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, घड़ा दिख गया ना. ठीक है, तो शुभ समाचार आपको मिलने का चांसेस है, बनता ही है. मैं बोल सकती हूँ 100% होता है, क्योंकि जब घड़ा दिख जाता है ना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है. घड़ा के ऊपर क्या रखा जाता है, नारियल और पत्ते रखे जाते हैं, उसको सजाया जाता है पूजा के समय. ठीक है, कोई भी अनुष्ठान हो, शुभ शुरुआत होते हैं, घड़ा में चावल होते हैं, राइट. और दुल्हन जब घर में आती है, तब वो उस तरह से उसको इस तरह से वो फेंकती है, राइट, पैर से. तो कहीं ना कहीं पे वो सारे चीज आपके साथ होने वाला है. जो सपना आपने देखा था वो हकीकत में बदलेगा, और कोई आपको रोक नहीं पाएगा. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखला है, लवली रिलेशनशिप, कोई आपको अपने गोद में उठा रहे हैं. शादी के वक्त भी हो सकता है, ठीक है, आपके हस्बैंड आपको गोद में उठा रहे हैं, होने वाले हस्बैंड, अगर आप हस्बैंड हो, ठीक है. अगर आप मेल हो तो आप अपने वाइफ को इस तरह से लवली मोमेंट्स आप एंजॉय करने वाले हो कुछ ही समय के अंदर, कुछ ही महीनों के अंदर, ठीक है. एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, ठीक है. तो मुझे लग रहा है कि आप ना घर में किसी के हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हो, ठीक है. हेल्थ का कुछ इश्यूज चल रहा है शायद आपके साथ, या आपके फैमिली में कुछ चल रहा है, लेकिन उससे हीलिंग हो जाएगा, ठीक है. ऑल राइट, आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप लूज़ किया है, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से वो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाया. अभी भी आप उम्मीद नहीं हारे हो, अभी भी आप वेट कर रहे हो उस इंसान के. लेकिन मैं हमेशा ही कहती हूँ कि वेटिंग एनर्जी में नहीं रहना है किसी को भी, ठीक है. यू लेटर, सी लेटर, एल लेटर, वी लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर यू. आई डू फाइंड कि आप करीब हो के किसी के साथ बात कर रहे हो, और ये रिश्ता जो प्रीवियसली था ना, ये उल्टा पड़ गया आपके लिए. पर आप किसी के साथ इंटीमेट होके बात कर रहे हो, सो वेरी यू कैन से दैट कोजी रिलेशनशिप्स, ठीक है, कोजी एनवायरमेंट आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ जिस तरह से होता है ना गम, ठीक है, GUM नॉट गम, ठीक है, फेविकॉल का जोर मजबूत होता है गाइज, उस तरह से चिपक जाओगे आप एक दूसरे के साथ. एंड आई एम फीलिंग वेरी मच लाइटर. अगर मुझे लाइट फील हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके साथ भी वो लाइट फील होगा. आप रिलैक्स फील करोगे, रिफ्रेश फील करोगे. कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं आपके सामने कि जब आपको लगता है कि ये तो सब रिजर्व्ड होते हैं, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, सब रिजर्वेशन ही है, मेरे लिए होगा ही नहीं, मैं हो ही नहीं सकता, बट अचानक से वो चीज़ होगा आपके साथ. यहाँ पे मुझे एंजल विंग्स दिखाई दे रहा है, ठीक है. सो डेफिनेटली यूनिवर्स इज विथ यू एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ठीक है. और आप, मुझे लग रहा है कि बैठते बैठते ना आप इंतजार करते करते थक चुके हो. सो यू डोंट वेट फॉर एनीथिंग, डू इट ऑन योर ओन. आप किसी के ऊपर डिपेंड ना होइए, ठीक है. और खुद का काम खुद करने की कोशिश जरूर करें, ठीक है. कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे एक्सपेंसिव कुछ शूज परचेस करने वाले हो, कुछ स्नीकर्स परचेस करने वाले हो. शायद आप कुछ कैंप में जाने का प्लानिंग कर रहे हो, या पहाड़ी इलाके में जाने का प्लानिंग कर रहे हो, तो शायद आप कुछ शूज़ शायद ऑनलाइन में देख रहे हो. मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह से लग रहा है. शूज़ अगर आपने मतलब सपने में भी देखा है, तो बहुत ज़्यादा शुभ संकेत होता ही है वो शूज़. ये भी इंडिकेट करता है कि आपके कदम डेफिनेटली रुकने वाले में से नहीं है. क्या आप बाहर जाओगे, आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, आउट ऑफ योर नेटिव प्लेस, यू डेफिनेटली विल गो. यहाँ पे रिबन्स भी काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है. हो सकता है कि यू आर प्लानिंग टू परचेज अ न्यू कार, न्यू हाउस और समथिंग व्हीकल, ठीक है, जो आपके कंफर्टेबिलिटी के लिए आप उसको यूज करोगे डेफिनेटली, ठीक है. उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, 3 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मुझे इस वक्त इस तरह से क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे आप कुछ रिलेशनशिप को लेके इतना सीरियस हो गए हो कि आप अपने आप को भूल चुके हो, ठीक है. आप पूरी तरह से उस रिलेशनशिप में खो चुके हो.
ठीक है, अपने आप फाइंड आउट नहीं कर रहे हो खुद को, यू नीड टू डिस्कवर योर सेल्फ। आपको लग रहा है कि सेपरेशन क्यों हुआ, या मैं अकेला या अकेली अभी क्यों हूँ, ऐसा नहीं है। आगे जाके आप अकेला नहीं रहने वाले हो, ओके। यू आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस बिकॉज यूनिवर्स यही चाहते हैं कि आप इसी अकेलेपन में बहुत कुछ सीखो और स्ट्रांग होते जाओ, ताकि कोई भी आपको इमोशनली हर्ट ना करे और इमोशनली वल्नरेबल आप ना हो। ठीक है, वल्नरेबल का मतलब होता है कि कोई भी प्रोवोक कर सकता है, कोई भी आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेल सकता है। इस तरह से आंसू क्यों गिर रहे हैं आपके आंखों से? ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोलती हूँ, डोंट डू दैट। ओके, यू आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट किस बात पे इतना ज़्यादा आपका थॉट्स है। अगर करियर के ऊपर है तो थोड़ा सा आप लाइटली लो इस चीज़ को, डोंट टेक एवरीथिंग सीरियसली। आप हर एक चीज़ को अगर सीरियसली लेते जाओगे तो प्रॉब्लम्स होगा। यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन इज वेरी इम्पोर्टेंट। बच्चा यहाँ पे आ रहा है किसी के गोद में, तो हो सकता है, यस डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए अगर बच्चा रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो ये गायब ज़रूर होगा। ठीक है, बट आंसू वाला काम नहीं करना है अभी। इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, कुछ डेविल जैसा इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, और दोनों हाथ में, जिस तरह से डेविल के दोनों हाथ पे चेन्स रहते हैं और लवर्स फंसे रहते हैं, उस तरह से लग रहा है कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो बाहर तो आप निकालना चाहते हो लेकिन समाज अलाउ नहीं कर रहा है, या आपको समाज की डर है। अगर आपको समाज की इतनी फिकर है तो आपको अपना खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ेगी फिर, समझ रहे हो ना? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करें, समाज के ऊपर इतना फोकस करने का ज़रूरत नहीं है। समाज का भला करें, लेकिन समाज क्या सोचेगा, किसी का सोच से क्या हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका बिल्स आपको खुद देना पड़ेगा, कोई आपका बिल नहीं देगा, ये समझ लो आप। बातें बोलने के लिए बहुत लोग आएंगे। 8 नंबर इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में आप जिस तरह से आप अभी एंग्शियस हो, बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी हो रही है, या घुटन हो रही है, या कहीं ना कहीं पे इस तरह से आपको लग रहा है कि कभी भी सही नहीं हो सकता, नो, दिस इज़ अ विक्ट्री साइन। होगा, सही होगा, कीप योर फिंगर्स लाइक दिस, ऑफ कोर्स इट विल बी डन। सिम्बल्स आ जाते हैं और मैं बता देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका। यहाँ पे फिर से वी बन गया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट मे पॉसिबल दैट विद इन 10 days, 10 weeks आपके पास इस तरह से कुछ मैसेजेस आए, न्यूज आए, इन्फॉर्मेशन आए जो आपको पूरी तरह से खुश कर दे एकदम। जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, मे बी इट इज पॉसिबल दैट इट विल बी अराउंड 7 o'clock, या इट विल बी बिटवीन 7 to 8 o'clock। हो सकता है कि सुबह में हो या शाम के वक्त हो। ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि लव का मैटर जो आपको अननेसेसरी बॉदर कर रहा था, तो वो उससे आप डेफिनेटली रिकवर होंगे। मतलब आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा कि पास्ट में क्या हुआ, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप आइदर सरेंडर कर चुके होंगे या आपके पास न्यू रिलेशनशिप आने वाला है। देखो यहाँ पे किसी का फेस बन रहा है एंग्री यंग मैन। आपके ये एक्स हो सकते हैं, या आपके पापा ना कभी कभी रूठ जाते हैं आपके हरकतों से, क्योंकि शायद आप उनके बात नहीं सुनते हो। यहाँ पे देखो किसी का फेस आ रहा है एंग्री। मे बी इट इज योर पार्टनर, या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं जिनका बात शायद आप नहीं सुनते, या आपके लवर हो सकते हैं। पर कोई मेल यहाँ पे नजर में आ रहा है जो आपके हरकतों से बहुत गुस्सा आता है उनको, पर बोल नहीं पाते इसलिए ऐसा करके रहते हैं। ओके, 2 इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं और कंफर्म कर लेते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, कुछ ही महीनों में, कुछ ही समय में क्या होने वाला है आपके लिए, व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, यही यंग एंग्री यंग मैन था क्या? क्वीन ऑफ वैंड्स, एक सीरियस डेडिकेटेड प्रोफेशनल रिलेशनशिप
एक प्रोफेशनल अचीवमेंट आपको मिलने वाला है, लवेबल रिलेशनशिप आपको मिलने वाला है जो काफी ज्यादा आपके लिए ही बने हैं। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। फाइव ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम्स था उससे आप निकल जाओगे। देखो विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इट इज कंफर्म्ड दैट यस देयर विल बी अ न्यू सॉलिड स्टार्ट। ठीक है, आप अपना करियर को भी अलग दिशा में लेके जाओगे एंड हार्ड वर्क के जरिए में ही आप पहुंचोगे। नो शॉर्टकट, बट आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत होगी। कोई आपको स्पाई कर रहा होगा एंड डेफिनेटली किसका नजर आपके ऊपर है एंड डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल पोजिशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में टेन ऑफ कप्स, यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि 10 डेज या 10 वीक्स के अंदर कुछ होगा, तो मुलाकात होगा इसी इंसान के साथ जो आपके लिए ही सिर्फ है। बट उससे पहले आप खुद अपने आप को डेवलप कर लोगे, जो आपके गुण हैं ठीक है वो ऑटोमेटिकली लोगों के सामने आएगा, टैलेंट्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन एक चीज़ नेगेटिव मुझे दिख रहा है, आप स्टक हो और वो स्टक में अपना रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं पे जो भी झंझटे हुए हैं, जो भी रुकावटें आए हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दिया है, फिर भी आप सोच रहे हो हाय मैंने क्या कर दिया, मैंने मिस कर दिया, मैंने अननेसरी यहाँ पे लोगों के साथ प्रॉब्लम हो गया तो क्या होगा। नहीं, आगे आपके लिए एक सॉलिड दुनिया है, दिस इज देयर फॉर यू एंड इट इज वेटिंग फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द रीडिंग, सो प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care.